Hello everyone, welcome to AgriTime. Now learn agriculture with me. In this video, we are going to discuss about CGPAT and PVPT 2024 exam. After result, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना डॉक्यूमेंट बनवा लें जिसे आपको दोबारा बनवाना पड़े, मेरा रैंक 3000 से ज़्यादा है मैं क्या करूँ, काउंसलिंग आपका कब से स्टार्ट होगा IGKV, MGUV और आपका CGKV यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम जो आपके यहाँ पे मुद्दे हैं उन पे मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन में ऑल प्रेस कर लें ताकि आपको आगामी काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक टेलीग्राम इंस्टाग्राम, इसमें आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा या फिर इस नंबर में आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा है या मेरा जो मार्क्स है वो आपका क्या है अच्छा आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात आपका जो काउंसलिंग नहीं आपका जो एप्लीकेशन जो था, क्या जी, जो आपका एप्लीकेशन था व्यापम के थ्रू जो आपने डाला था, तो जो प्रिंट आउट था, तो जो प्रिंट आउट था उसको आप संभाल के रखिए, ये पहला चीज़ है। ठीक है, प्रिंट आउट को क्या करना है आपको संभाल के रखना है। दूसरा जो चीज़ है जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या रहने वाला है, तो वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड को आपको घुमाना नहीं है क्योंकि व्यापम जो है एडमिट कार्ड दोबारा जारी नहीं करती। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको रिमेम्बर रखना है, अगर कहीं पे इधर उधर रख लिए होगे या गुम गया होगा तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप जाइए चॉइस सेंटर में या जिसने आपका फॉर्म डाला होगा या उसके मोबाइल में अगर हो PDF तो उसको प्रिंट करवा के रख लो। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोल करता है, तो आपको एडमिट कार्ड और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था CGPAT का दोनों को आपको क्या करना है अभी से संभाल के रखना है। ओके, बाकी आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको रिमेम्बर रखना है। सेकंड यहाँ पे चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जल्दबाजी में कुछ भी ना बनवाएं, इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट जो बनवा लेते हैं, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका एक साल से आपका क्या है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब की स्थिति में वो क्या है मान्य होगा, वरना वो मान्य नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आपका कृषक जो सर्टिफिकेट है ना वो बनवा लेते हैं, लेकिन उनको कृषक सर्टिफिकेट का सही फॉर्मेट जो है वो नहीं पता होता, तो आपको जो IGKV फॉर्मेट देगा कृषक सर्टिफिकेट का, उसी आपका फॉर्मेट जो है उसी में आपको कृषक सर्टिफिकेट बनवाना है, वरना आपका IGKV यूनिवर्सिटी जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे काउंसलिंग में अपलोड करोगे तो आपको क्या कर देगा, अपात्र कर देगा कृषक सर्टिफिकेट के लिए, और आपको रीअपलोड करना पड़ेगा फिर से बनवाने के बाद। तो इस चीज़ को रिमेम्बर रखना है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ भी तो आप पूछ लो ना, पूछने में आपका कुछ जा तो रहा नहीं है, आप कमेंट बॉक्स देखो, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट्स है उसको डालो, अगर मुझे लगता है कि आपका सही में ऑथेंटिक कमेंट है, आपको सच में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका जरूर सॉल्यूशन करूंगा, अगर ज़्यादा होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर में भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल कमेंट्स आप कर सकते हैं इसमें, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तब की स्थिति में आप व्हाट्सअप में कीजिए। तो जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे जाति हो गया, आय निवास अगर नहीं बना तो उसको बनवा लेना। और यहाँ पे एक और चीज़ मतलब है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं उनके कॉलेज जो है, कॉलेज मतलब जैसे कि कोई अभी BSc में कर रहा होगा, कोई BA कर रहा होगा, उनके लिए लगता है आपका क्या गैप सर्टिफिकेट, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी आपको ध्यान में रखना है, आपको गैप सर्टिफिकेट में पूरे डिटेल में डालना है और ये नहीं कहना है कि मैं BSc कर रहा था, BA कर रहा था, ऐसे करके आपको वहाँ पे सिंपल लिखवा देना है कि एक साल में कोचिंग कर रहा था, ऐसे करके सीधी सी बात। ओके, और बाकी अगर आप उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर BA वगैरह कर रहे थे तो आप लिखवा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आता है, ठीक है, ये गैप सर्टिफिकेट तो हो गया, बात करते हैं ट्वेल्थ की। ठीक, तो ट्वेल्थ में आपका ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट थे उनको TC मिलता है, माइग्रेशन मिलता है, तो उन सारे ही चीज़ों को आपको क्या करना है निकलवा के ले आना है अभी से।
ठीक। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, रिमेम्बर रखना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये सबसे मतलब कि अहम बात है, मेरा रैंक 3000 से ज़्यादा है मैं क्या करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है कि सर बहुत ज़्यादा रैंक है मेरा, मैं क्या करूँ। तो देखो बता देता हूँ, काउंसलिंग का जो आपका नोटिस आएगा, ठीक है, काउंसलिंग का नोटिस आएगा तो आपको अगर आपका रैंक 3500 से आपका 4000, ठीक है, 3500 से 4000 के बीच में आया हुआ है, ठीक, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी जो है ना उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका जो रैंक है अप्रोक्स अगर 1200 के अंदर है तब आप काउंसलिंग का फॉर्म डालिएगा, वरना मत डालिएगा, ठीक। बाकी अगर कोई ओबीसी वाला है, एससी एसटी वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप अगर 4000 के रैंक के बीच में भी हो तो आप काउंसलिंग का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग का फॉर्म इसलिए फिल करने को बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग का फॉर्म फिल नहीं करते। कई स्टूडेंट नीट वाले होते हैं जो कि ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कि उनको नीट में जाना है। कई स्टूडेंट जेई की मेंस की तैयारी करते हैं, वो भी डाल दिए रहते हैं मैथ्स ग्रुप से। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वारी था, ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि आप काउंसलिंग फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है। 200-300-400 लगेगा, तो एक साल का मेहनत तो आप बेकार ना करना 300 के चक्कर में, ठीक। तो काउंसलिंग फॉर्म ज़रूर फिल करना। अब यहाँ पे एक और आपका मतलब कि कमेंट आ रहा था कि काउंसलिंग जो है उसका प्रोसेस कब से शुरू होगा। तो जो आपका IGKV यूनिवर्सिटी है, आपका जो MGUVV यूनिवर्सिटी है और आपका जो CGKV है, देखो ये आपके तीन मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप जैसे ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाओगे, जैसे CGKV के में जाके देखोगे तो आपका BVSC का और आपका जो डेयरी टेक्नोलॉजी है दोनों का वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देगा UG एडमिशन करके। तो आपका जो CGKV पूरी तरीके से तैयार है आपका काउंसलिंग के लिए। कुछ दिनों की बस बात है, वो भी नोटिस जारी कर देगा, या तो इस वीक जारी कर देगा या फिर नेक्स्ट वीक के फर्स्ट 2-3 दिन में आपका जारी कर देगा। MGUV यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ भी यही हाल है, ठीक है ना। बहुत ही जल्द अभी आपका PG का जो है एग्ज़ाम हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों का आपका जो हॉर्टिकल्चर का जो UG है और PG है दोनों का ही जो आपका काउंसलिंग है एक साथ चलता रहे। और अगर IGKV की बात करें तो IGKV में अभी जो आपका PET जो एग्ज़ाम हुआ था, तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जिसमें आपका BTEC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और आपका जो है खाद्य प्रौद्योगिकी जिसको अपन फूड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो उसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हुआ है और 14 अगस्त तक आप एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे IGKV ने तो अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया UG वालों के लिए। और यहाँ पे आपका जो PAT है जिसमें एग्रीकल्चर मिलेगा आपको, BSc एग्रीकल्चर कॉलेजेस मिलेंगे, तो उसके लिए आपका जो IGKV है इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक के फर्स्ट 2-3 दिनों में ही आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया। और जैसे ही नोटिस आता है मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि भाई आपका जो काउंसलिंग है वो इस तारीख से इस तारीख तक आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो सॉरी, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, रिमेम्बर रखना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो या कुछ सवाल हो, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करने में, अपना सवाल पूछने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका यहाँ पे चेहरा नहीं दिख रहा है, ID है, ऑनलाइन है, कमेंट किसी का भी हो सकता है, ओके। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बेझिझक पूछिए, मैं उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।